सरकार की कुछ बड़ी योजनाओं और संस्थानों में कई महीनों से वेतन नहीं मिलने से कर्मचारियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। एक तरफ केंद्र सरकार आम चुनाव से पहले अपनी उपलब्धियां गिना रही है, तो दूसरी तरफ सरकारी संस्थानों के कर्मचारियों में वेतन नहीं मिलने से हाहाकार मचा हुआ है। स्टैचू ऑफ यूनिटी हो या BSNL, सरकारी संस्थानों में कर्मचारियों के हाल खस्ता हो रहे हैं। समय पर वेतन ना मिलने के कारण कर्मचारी परेशान हैं और हड़ताल पर जा रहे हैं। लेकिन ऐसी किससे मांगू? ट्विटर पर ये वीडियो वायरल है। ये महिला BSNL की कर्मचारी है और इसलिए रो रही है कि इसे तनख्वाह नहीं मिली है, घर में खाने को कुछ नहीं है। मैं क्या किया जाए जब जो है गवर्नमेंट ने अभी सैलरी नहीं भेजी? तो सर मुझे नहीं पता गवर्नमेंट ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि मैं अपना घर नहीं चला पा रही। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि पिछले कुछ महीने में जियो के अलावा सिर्फ BSNL ही ऐसी कंपनी है जिसमें नए सब्सक्राइबर्स जुड़े हैं, बाकी सभी सर्विस प्रोवाइडर के सब्सक्राइबर घटे हैं। लेकिन इसके बावजूद BSNL के 1,76,000 कर्मचारियों को फरवरी की तनख्वाह नहीं मिली है। बिगड़ते हालात के बीच ऐसा पहली बार है जब BSNL अपने कर्मचारियों को सैलरी नहीं दे पाया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ BSNL का ये हाल है। देश की शान बताकर जिस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बड़े जोर शोर से लॉन्च किया गया था, उसके कर्मचारियों की हालत भी दयनीय है। कर्मचारियों को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। यहाँ काम करने वाले कर्मचारी UDS कंपनी के हैं, जिन्हें स्टैच्यू ऑफ यूनिटी वाली जगह पर काम करने के लिए ठेका मिला है। इन कर्मचारियों में मुख्य रूप से सुरक्षा कर्मचारी, माली, क्लीनर, लिफ्टमैन, टिकट चेकर और अन्य शामिल हैं, जिनके वेतन का भुगतान नहीं होने के कारण उन्हें अपने परिवार के पालन पोषण में दिक्कतें आ रही हैं। बीते दिनों कर्मचारियों ने कंपनी के विरोध में प्रदर्शन किया, जिसके बाद 100 से अधिक कर्मचारियों को निलंबित कर दिया गया है। राज्य सरकार के मुताबिक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने हर महीने अनुमानित 2,79,000 लोग आते हैं। यहाँ सिर्फ टिकट से ही करोड़ों की कमाई होती है। आरुषि पुंडीर, गो न्यूज़।